नटीपटी केव में 15 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे जानकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह दिन था 24 नवंबर की, जब केविंग के दौरान 26 साल के एक मेडिकल स्टूडेंट की गलत फैसले ने उसे जिंदगी भर के लिए केव में उसे जिंदा ही दफना दिया। कुछ इस प्रकार से जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं भगवती केसरी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो पर। देखिए कुछ ऐसा होता है, जून और उनके फ्रेंड किसी गुफा को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं और करीब रात के 8 बजे 11 लोगों का यह टीम नटीपटी केव के पास पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी कोई केव के अंदर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा, गुफा जमीन के अंदर लगभग 400 फीट गहरी है और इस गुफा पर बहुत पतली रास्ता है जिस पर सिर्फ रेंग कर अंदर जाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से जिसे आप अभी देख रहे हैं, 11 लोगों की टीम अब 2 भागों में बट जाती है। जोस का ग्रुप इस भाग पर जाता है और अन्य टीम इस भाग पर। जोस और उसकी टीम धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही थी। 1 घंटे तक सब कुछ ठीक से चल रहा था और गुफा का रास्ता और पतला होता जा रहा था। जोस और उसके दोस्त निरंतर आगे बढ़ रहे थे, ये आशा में कि गुफा कहीं टर्न राउंड लेकर उन्हें वापस बाहर का रास्ता दिखा देगी। जोन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जोन अंततः 70 डिग्री डाउन पोजीशन में फंस जाता है और ये ना ही ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे जा सकता है और उसे यह एहसास होता है कि अब वह फंस चुका है। वह पीछे आ रहे अपने साथियों को आवाज देता है, तुम लोग वहीं रुक जाओ, मैं अब फंस चुका हूं। फिर एक कोई जोन की मदद के लिए आगे बढ़ता है और जोन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। 2-3 बार खींचने के बाद वह पुनः अपने स्थान पर चला जाता है। उसके दोस्त को लगता है जोन बुरी तरह से फंस चुका है और वह प्रोफेशनल टीम को बुलाने का फैसला लेता है और केनाल से बाहर जाता है। जोन के दोस्त हेल्पिंग टीम को फोन कर केव में फंसे जोन के बारे में बताते हैं और हेल्पिंग टीम 3 घंटे के बाद नटीपटी केव में पहुंचते हैं। काफी मशक्कत के बाद वह जोन तक पहुंचने में सफल रहे। पहली टीम जोन को निकालने में असफल रही, दूसरी टीम अंदर जाकर पहली गुफा को समझे और फिर पूरी गुफा में पुलिंग सिस्टम लगा दिए। वह सोच रहे थे जोन को खींचकर ऊपर की ओर लाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से पहले जोन के पैर पर रस्सी बांधी गई और फिर पुलिंग सिस्टम के द्वारा उसे ऊपर लाया जा रहा था और जोन को ऊपर की ओर खींचने में सफल भी हो रहे थे। कुछ ही देर में पुलिंग सिस्टम फेल हो जाती है। देखते ही देखते जोन पुनः अपनी स्थिति पर आ जाता है। जोन अपना धैर्य भी खो चुका था क्योंकि उसे इस गुफा में फंसे हुए 22 घंटे हो चुके थे।
एक अंतिम प्रयास के लिए एक और टीम गुफा के अंदर जाती है। उसे यह लगता है कि जोन अब इस दुनिया पर नहीं रहा और वह पुनः बाहर आ जाता है। और अपनी रिपोर्टिंग एक डॉक्टर को जाकर बताता है। डॉक्टर की टीम जोन के पास पहुंचती है और उसके पैर के टेम्परेचर से उसे 25 नवंबर 2009 को रात 11:56 पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टरों का कहना था जून की मौत सिर पर ब्लड भर जाने से हुई थी। 27 घंटे तक जून जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और आखिरकार वह हार गया। 137 लोगों की रेस्क्यू टीम ने भी उसे गुफा से बाहर नहीं निकाल पाया। जोन के दोस्त और उसकी पत्नी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कैसे कोई डॉक्टर पैर के टेम्परेचर से किसी को मृत घोषित कर सकते हैं। 26 नवंबर के दिन अंततः गुफा की टीम और उसके परिवार ने यह फैसला लेता है जोन की बॉडी को वहीं दफन कर दिया जाए जहां वह फंसा है, क्योंकि उसकी बॉडी को निकालना इम्पॉसिबल है। देखिए जोन की एक गलत फैसले ने कैसे उसे अपने ही कब्र में खुद जाने को मजबूर कर दिया। आज भी नटीपटी केव में जोन की बॉडी है। नटीपटी कैप को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया कंक्रीट से।